एवरीवन, आइडिया भारत इसके लिटरेचर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में अब 80,000 पद नए सृजित होने वाले हैं। जल्द ही आपको यहां पर लगभग 1,00,000 की वैकेंसी यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, नई दिल्ली का जो कटिंग है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो बात की गई है, रेलवे संरचना से जुड़े कार्यों को जो ठेके के बजाय रेलवे के स्थायी कर्मचारियों से ये काम करवाया जाना चाहिए। ये रेल मंत्री का थोड़ा सा एक अच्छा सी पहल है, लेकिन इसमें जो बात की गई पूरी कटिंग में, मेन मुद्दे पे हम सीधा पूरा ना पढ़ते हुए, तो इसमें दोस्तों बात की गई है जो अभी जितनी भी वैकेंसीज निकाय ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, NTPC हुआ, इन सारों के जो पद 61,529 जो पद खाली चल रहे हैं इनको बताया गई, इनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, तो इन्हें बोला गया है 2024 तक कम्प्लीट करा ले दी जाएगी, मतलब दिसंबर तक इसकी कम्प्लीट करा ले दी जाएगी। और इसी बात देखिएगा, रेलवे बोर्ड के एक जो वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है, विभाग में अधिकारी जो अधिकांश जो है नए प्रदेश जो होते हैं नए पद सृजित होने वाले हैं। तो कौन कौन से विभाग में होने वाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ग्रुप डी में सिग्नल एंड टेलीकॉम में होंगे, सिविल इंजीनियरिंग में होंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक में होंगे, ट्रेन इंजन में होंगे, और वर्कशॉप और लोको सेट में होंगे, ट्रैफिक एंड ट्रेन परिचालन में होंगे, और यहाँ पर आपको मैकेनिकल कोच आदि विभागों में पदों का सृजित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर इस विभाग में जो पोस्टें निकलने वाली हैं, ये सारी की सारी पोस्टें किसकी हैं दोस्तों, ग्रुप डी की हैं। तो ये मान के चलिए आपका जो वैकेंसी है लगभग अक्टूबर नवम्बर तक इसकी वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें जो मेन बात की गई है, एक तो यहाँ पर जो 61,529 पोस्टें निकाली उनको कंप्लीट कराने की बात की गई है, और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों नए पद सृजित किए जाएंगे लगभग 1,00,000 जो ग्रुप डी के। और यहाँ पर एक बात और की गई, जो रेलवे से जुड़े जो इतने भी कार्म हैं जो यहाँ पर दिया गया, देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो हैं CO और सतीश कुमार वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे गए हैं, जिसमें रेलवे जो ट्रैफिक पुल वगैरह, कोच हैं, सिग्नल आदि का जो मरम्मत जो कार्य आउटसोर्सिंग से ना करा कर, मतलब ठेके पद्धति से नहीं कराया जाए, जितने ये ऐसे प्रकार के काम है रेल कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी, उनसे स्थायी कर्मचारियों से काम करवाया जाए। तो ये पूरी जो कटिंग है इसमें यही बोला गया है। बाकी जो नए पद हैं आपको जल्द ही देखने के लिए ग्रुप डी में लगभग 1,00,000 की वैकेंसी यहाँ देखने को मिली, इसलिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे रहिएगा, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट नोटिस में बता दिया है, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।